कल्याण के हाजी मलंग दरगाह के पास अवैध होटल, ढाबे और झोपड़ों पर तोड़क कार्रवाई, स्थानिकों में गुस्सा, बरसात में कई लोग हुए बेघर। 1200 ठेले, 1839 सिलेंडर उठाए, मुंबई के दादर सीएसटी कुर्ला अंधेरी मलाड में फेरी वालों के खिलाफ एक्शन। शिवसेना किसकी जल्द होगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में 15 जुलाई को सुनवाई। मुंबई के खार में झोपड़ियों में सिलेंडर ब्लास्ट, भीषण आग में एक मजदूर घायल। मॉनसून में देरी से जल आपूर्ति की समस्या और गंभीर, मुंबई शहर में जल संकट गहराया। केकड़ा पकड़ते समय मुमरा पहाड़ी रास्ते पर भटक गए 5 लड़के, 7 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, अंधेरे और बारिश के बीच चलाया गया अभियान, सभी को बचाया गया। भिवंडी नदी में नहा रहे नाबालिग लड़कों को लोगों ने दी सजा, कराई उठक बैठक। मुंबई में चला बड़ा रेल हादसा, कसारा स्टेशन के पास पंचवटी एक्सप्रेस के डिब्बे हुए अलग। महाराष्ट्र में 70 दिन बाद असली मैच होगी, जनता लेगी महायुति की विकेट, नाना पटोले का सीएम एकनाथ शिंदे पर पलटवार। मुंबई में बनेगा नया क्रिकेट स्टेडियम, वानखेड़े के करीब 4 गुना ज्यादा होगी क्षमता। सेंट्रल रेलवे की अशारी यात्रा के लिए 64 स्पेशल ट्रेनें, प्रशासन की ओर से इसके रूट और स्टॉपेज की भी घोषणा की गई। 2 बैसाखियों पर टिकी है सरकार, नहीं चलने वाली है, संजय राउत ने किया लालू यादव के बयान का समर्थन। कंटेनर में लदा था ग्रेनाइट और ईट, बीच में दबा था 7.9 करोड़ का लाल चंदन, हैरान रह गए अधिकारी, मुंबई में DRI की बड़ी कार्रवाई। प्लास्टिक के फूलों पर बैन लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, केंद्र महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब। वसई से विरार के बीच मुंबई लोकल ट्रेन में मेगा ब्लॉक की घोषणा, 6 और 7 जुलाई की मध्य रात्रि 12:15 बजे से सुबह 4:15 बजे तक होगा रखरखाव का काम। पश्चिम रेलवे पर रविवार को दिन में कोई ब्लॉक नहीं। पालघर में मुंबई पुलिस कांस्टेबल की घर में खुदकुशी से मचा हड़कंप, भाई 3 दिन से संपर्क करने की कर रहा था कोशिश। जिनकी 2 पत्नियां हैं और 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें ना मिले लाडली बहन योजना का लाभ, हमको जनसंख्या नियंत्रण करना है, विश्व हिंदू परिषद के महाराष्ट्र गोवा क्षेत्र प्रमुख गोविंद शेंडे की मांग। सुकेश चंद्रशेखर को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत, अभी जेल में ही रहेगा महाठग। योगेश्वरी जमीन मामले में शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वाइकर और पत्नी को राहत, मुंबई पुलिस ने दी क्लीन चिट। इंडिया के विजय जुलूस में लग गया चूना, 60 से ज्यादा लोगों के फोन हुए गायब।